Hey guys, good morning, welcome to Madhusudan Panth Vlog। तो guys अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, तो मैं जा रहा हूँ आज चंपावत। तो ठीक है guys, मैं निकलता हूँ चंपावत को। आज guys मैं दो मंदिर आपको दिखाऊंगा, नंबर एक देवी का मंदिर और नंबर दो प्राचीन शिव मंदिर। शायद जो भी चंपावत से होगा वो समझ रहा होगा मैं किस मंदिर की बात कर रहा हूँ। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide, hold tight. Guys, अभी हम दोनों जा रहे हैं अंगला देवी माता के मंदिर, लेकिन थोड़ा सा रास्ते में थोड़ा मलबा आया हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अभी वो लोग सफाई कर रहे हैं। उसके बाद जब ये सफाई हो जाती है, मलबा साफ हो जाता है, तो गाइस फिर हम लोग निकलते हैं आगे को। तो गाइस अभी मैं हिंगला देवी मंदिर पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे बहुत अच्छा व्यू मिला तो इसलिए मैं गाड़ी से उतर गया। देखिए गाइस पूरा कोहरा लगा हुआ है, ये देखो। मैं अभी हूँ ललवा पानी पे, जहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी थी और जहाँ से आपको मैंने इतना सुंदर व्यू दिखाया गाइस, देखो। और एक और चीज़ मुझे पता चली है अभी अभी, शंकरदा ने मुझे बताया कि यहाँ भी टी गार्डन है गाइस, ललवा पानी में भी टी गार्डन है। ये देखो गाइस, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये पूरा टी गार्डन है, ये देखो। तो गाइज अभी हम एक जगह पहुंचे हैं मंदिर में, अभी हमको पता नहीं है, ना शंकरदा को भी मालूम नहीं है कि वो हिंगला माता का मंदिर है या नहीं। तो ये है वो जगह, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो मैं जाता हूँ अंदर को, पता करता हूँ कि ये वो मंदिर है जहाँ हमने जाना है। बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए, अंदर बैठे प्रभु। जय बजरंगबली, आप सबके लिए भी दुआ मांग ली गाइज। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे को, पता करते हैं क्या ये वो जगह है। अच्छा, ओ तो शंकरदा आ रहे हैं वहाँ पता करके, वो देखो। अच्छा ये हनुमान मंदिर है, ठीक है कोई बात नहीं, हनुमान मंदिर के भी दर्शन कर लिए गाइज इसी बहाने। तो गाइज अब हम जा रहे हैं हिंगला माता के मंदिर को, यहाँ पर हनुमान मंदिर है, पता किया था शंकरदा ने। अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे को, थोड़ा गड़बड़ हुई कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे को पंडित जी दिखे थे, अभी कोई नहीं है। अच्छा है पंडित जी, ठीक है गाइस। अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, पहाड़ की कोई भी जगह हो, चाहे पिथौरागढ़, चाहे लोहाघाट, या फिर चंपावत, या फिर कोई भी कुमाऊँ और गढ़वाल में कोई भी हो, बहुत खूबसूरत है यार गाइस, सही कह रहा हूँ। आप लोग पहाड़ आओ, पहाड़ घूमो, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके। कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप अल्मोड़ा आओ या पिथौरागढ़ आओ या चंपावत लोहाघाट आओ, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ वहीं आओ। आप पहाड़ में कहीं भी जाओ आपको अच्छा लगेगा, आप जाओ एक बार, रहो एक हफ्ता, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। तो ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो गाइज हनुमान मंदिर से थोड़ा दूर चलने के बाद हमारा मंदिर आ गया है, हमारा स्पॉट आ गया है हिंगला देवी मंदिर। कोई दिख भी नहीं रहा मेरे ख्याल से, पुजारी जी भी कहीं बाजार गए होंगे हो सकता है। तो ठीक है गाइज, मैं पहले पानी की जगह ढूंढता हूँ और हाथ पैर धो के फिर आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, और उसके बाद दिखाता हूँ गाइज। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है गाइज यहाँ, बहुत ही अच्छा, मतलब आप आओ यहाँ, बहुत मज़ा आएगा आपको, इतना अच्छा हो रहा है। कोहरा लगा हुआ है यहाँ, मैं अगर एक हफ्ता रहूँगा तो मैं बहुत गोरा हो जाऊँगा, इतना ठंडा हो रहा है गाइज यहाँ। तो गाइज शंकरदा और मेरी 15-20 मिनट की मेहनत के बाद यहाँ पर हमको पानी नहीं मिला, तो हम लोग ऐसा करते हैं ऐसे ही चलते हैं, अभी एक बार और मैं सर्च कर लेता हूँ अगर मंदिर के पीछे साइड कहीं पानी होता है तो। ऐसे लगता नहीं है कि पानी है, एक टंकी तो दिखी थी मगर उसमें नल नहीं था,
उसका कनेक्शन उन्होंने अपने बाथरूम से दिया हुआ था, तो बाथरूम में जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी। तो ये है गाइस माता हिंगला देवी। अभी हम लोग बैठे हैं हिंगला माता के मंदिर में, और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि आपको कोई स्टोरी बताऊँ, कोई इसके बारे में कोई अगर पुरानी कोई कथा है या कोई पुरानी हिस्ट्री है तो वो आपको बताऊँ, लेकिन यहाँ पर मंदिर प्रांगण में कोई भी नहीं है तो सॉरी गाइज मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो आप मेरे से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कर सकते हो। तो गाइज़ अब वक्त हो गया है मंदिर से विदा लेने का, और मंदिर से हम जा रहे हैं चंपावत को। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपने पहले देखा था मंदिर? पहले नहीं आया था, सुना बहुत था इस मंदिर के बारे में। अच्छा, मतलब क्या सुना था? कि हिंगला देवी मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, फेमस मंदिर है, यहाँ का व्यू भी अच्छा है। तो गाइज व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया और मंदिर भी आपको दिखा दिया, और मैं आशा करता हूँ हिंगला देवी माता आपके हर कष्ट दूर करे, आपको तरक्की दे, आपकी जिंदगी में खुशहाली लाए। तो ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं चंपावत को। गाइज मैं अभी आ चुका हूँ चंपावत में, और मैंने शंकरदा को उनके घर पर ड्रॉप कर दिया है, और मैं अभी भूख लग रही है तो थोड़ा मैगी खा रहा हूँ। और दिखाता हूँ, मेरे साथ एक मेरा साथी आया आज, ये देखो, ये देखो गाइज। तो गाइज अभी मैं अपने फ्रेंड की शॉप पर बैठा हूँ जहाँ पर मैंने मैगी खाई थी, सुरेश फर्तेहाल है ना, तो ये देखो गाइज। तो इनकी शॉप पड़ती है जब आप लोहाघाट से चंपावत को जाते हो तो बहुत अच्छी शॉप है, कभी भी आप यहाँ चाउमीन खाना वाना कुछ भी आपको खाना हो तो आप बेशक यहाँ आ सकते हो। ये मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है, और आज बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं ना, लगभग 7 या 8 साल बाद गाइज हम लोग मिल रहे हैं। इस ब्लॉग में बने रहेगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी करना है जल्दी करो, फटाफट करो, जैसा करते हो करो यार। मैं जा रहा हूँ मानेश्वर। मानेश्वर चंपावत का सबसे प्राचीन मंदिर है गाइज। मुझे मैं वैसे घर को जा रहा था, और जैसे ही मैं होटल में अपने फ्रेंड की, जिससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मिलाया, उसकी शॉप पर बैठा तो उसने मुझे बताया कि आप मानेश्वर नहीं गए। तो मैंने कहा यार ये मंदिर किधर पड़ता है, तो उसने बोला कि ये तो सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ जाना चाहिए। अकेला हूँ, जंगल का रास्ता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने हॉन्टेड हॉन्टेड स्टोरीज की है। हम दो ही जने थे, सज्जू और मैं, और बाघ भी आएगा तो मैं बहुत तेज भागता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी एक मंदिर तो पड़ गया है, अब कंफर्म नहीं है कि ये वाला मंदिर है या इसके नीचे वाला है, क्योंकि मुझे बताया गया कि दो मंदिर हैं, अब इसमें मानेश्वर कौन सा है। चलो जो भी है, मंदिर तो मंदिर है, इसके भी दर्शन कर लेते हैं गाइस, फिर चलते हैं नीचे को मानेश्वर के दर्शन करने। अकेले व्लॉगिंग करने में परेशानी तो होती है, थोड़ा बहुत दिक्कत, क्योंकि आदत नहीं है गाइस अकेले व्लॉगिंग करने में। मैं जहाँ भी गया हूँ, जैसे मैं लोहाघाट के जिस भी व्लॉग में गया था तो मेरे साथ सज्जू हमेशा रहता था, तो मैं करता हूँ उसके दर्शन और उसके बाद दूसरे मंदिर चलते हैं जैसा कि मुझे बताया गया है। तो गाइज ये जो जिस मंदिर में, मानेश्वर मंदिर में आपको ले जा रहा हूँ, इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में चंद शासक निर्भया नाम के किसी शासक ने किया था, और ये चंपावत का सबसे प्राचीन मंदिर है गाइज। और अगर आपको पता नहीं है चंपावत में रह के भी, तो प्लीज़ चंपावत और लोहाघाट के जितने भी बंदे हैं प्लीज़ आओ गाइज, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है यहाँ। इस मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं गाइज, और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को अर्पित किया गया, समर्पित किया गया है, और यहाँ एक कुंड है, और इस कुंड में स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस कुंड में स्नान करेंगे तो आपके सारे रोग, सारे बीमारियाँ, सारी आपकी जितनी भी बुराइयाँ हैं सब खत्म हो जाएंगी और आप एक निष्पाप इंसान बन जाओगे। तो ऐसी मान्यता है गाइज यहाँ पर। अगर कुंड मेरे को दिखता है तो मैं कुंड भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन रास्ता तो पता नहीं। अरे गाइज रास्ते का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ से। अरे मंदिर में कहाँ से आते हैं, यहाँ से रास्ता है, रास्ता है यहाँ से, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ, और यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता है, और गाड़ी भी आई है गाइज यहाँ पर, तो अंदर तक गाड़ी है और मैं गाड़ी उतना पीछे छोड़ के आया हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं मानेश्वर मंदिर के अंदर, और आपको बताता हूं अगर यहां मुझे कोई मिलता है जानकारी के, जो जानकारी दे सके तो आपको पूरी जानकारी देता हूं। जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। तो गाइज मैं अभी मंदिर के अंदर बैठा हूं, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज मेरे को। मैं पता नहीं, जब भी मैं शिवलिंग के पास बैठता हूं तो एक अजीब सी एक अनुभूति होती है मेरे को, तो वैसा ही कुछ अभी भी हो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे सरसराहट सी होने लग जाती है मेरे पूरे शरीर में, और पता नहीं जब भी मैं ऐसा कुछ देखता हूँ तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ गाइस। मैंने कोशिश की कि मैं पंडित जी को मनाऊं, लेकिन पंडित जी थोड़ा गुस्सेल स्वभाव के लगे मुझे। इस थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि आप मंदिर में बैठे हो, आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आप भगवान के दरबार में बैठे हो, आप सबकी सेवा के लिए बैठे हो, तो ऐसा बर्ताव करना एक अच्छी बात नहीं है। तो वो मंदिर में बैठे थे गाइज, मैं भी ज़्यादा उनसे बोला नहीं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप दर्शन कर लो और मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, जो भी आपको करना है आप यूट्यूब में सर्च कर लो, आपको सब मिल जाएगा। तो ये विभूति भी मैंने खुद ही लगा ली गाइज, मैं अंदर बैठा था तो मैंने खुद ही लगा ली। जैसा भी है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। आज हमारा चैनल छोटा है, कल बड़ा भी बनेगा गाइज, लोग खुद आएंगे हमारे पास, खुद बोलेंगे कि भैया हमारा इंटरव्यू ले लो, कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा भी होता है। तो ठीक है गाइज, मैं थोड़ा सा एक वॉक अराउंड कराता हूँ आपको मंदिर का हल्का फुल्का। मुझे ऐसा लगता है कि ये वही कुंड है जिस कुंड की बात करते हैं कि आप इसमें स्नान करोगे तो आपके सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, तो ये वही कुंड है गाइज। अलग प्रकार का तेज है गाइज यहाँ, तो आप भी, आपको भी कभी आना हो तो बेखौफ आइए, बस थोड़ा पुजारी जी से ज़्यादा मत बोलिए क्योंकि थोड़ा गुस्सेल स्वभाव के लगे मुझे। ठीक है, आप सबका अपना अपना स्वभाव होता है गाइज। मानेश्वर मंदिर से जाने का वक्त हो गया है। आशा करता हूँ गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा आगे आपको। धीरे 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 करके जैसा कि मैंने बताया था मैं सीख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अभी अकेले जाके करने की आदत नहीं है तो धीरे धीरे ये भी सीख जाऊँगा गाइज। सब कुछ होता है लाइफ में तो धीरे धीरे आदमी सब सीखता है। तो ये थे हमारे मानेश्वर महादेव जी, मैंने आपको इनके दर्शन करा दिए गाइज, जो मांगना है मांग लो सब पूरा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा, डेली व्लॉगिंग करना भी इतना आसान नहीं है यार वाकई में। यार पता नहीं मेरे चश्मे में होता है या आप लोगों के सनग्लास में भी होता है, यहाँ पर भाप बन जाती है पसीने से बहुत ज़्यादा। सस्ता चश्मा लो चाहे महंगा चश्मा लो, बात वही पड़ती है, तो इससे अच्छा सस्ता ही ले लें। और लेकिन ये है कि सस्ते से गाइज आँखें ख़राब होती हैं, मैंने सस्ते के चक्कर में अपनी बहुत आँखें ख़राब की हैं। नैनीताल जाके 50 रुपये 100 रुपये के चश्मे ले लेके मैंने अपनी बहुत आँखें ख़राब की है गाइज, आप कभी मत करना ऐसा। सस्ता अच्छा दिखता है लेकिन गाइज होता नहीं है कुछ कुछ मामलों में, कपड़ों के मामले में मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि कपड़े कभी कभी सस्ते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो चश्मे होते हैं क्योंकि इससे आपका, आप देख रहे हो ना, विजन है, अगर आप ऐसे देखोगे तो अलग बात है, लेकिन इसको लगा के देखोगे तो आप इसके सहारे से भी देख रहे हो, तो हो सकता है आपकी आंखें ख़राब हो जाएं उस ख़राब चश्मे से, लोकल चश्मे से, लोकल सनग्लास से। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप सनग्लास लो गाइज, अच्छा सनग्लास लो, माना जाना ब्रांड का सनग्लास लो, और ऑनलाइन मत मंगाइए, कभी भी सनग्लास ऑनलाइन मत मंगाइए गाइज। आप इसके स्टोर में जाइए प्रॉपर, और वहाँ आपको लेंस गार्ड में जाइए, बहुत सस्ते मिलते हैं चश्मे, एक के साथ एक फ्री मिलता है, 1500 का सनग्लास आता है गाइज, एक के साथ एक फ्री, ब्रांड अच्छा मिल रहा है तो ब्रांड लो ना। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मानेश्वर वाली रोड जो है बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा इसमें उबड़ खाबड़ है, मुझे डर भी लग रही थी कि कहीं गाड़ी लग ना जाए। आते वक्त तो कुछ नहीं हुआ, कहीं जाते वक्त कुछ ना हो यार गाइज। मिडिल फैमिली के लिए ये उसकी फरारी है गाइज, तो मैं, मेरे लिए फरारी है गाइज, अब मिडिल क्लास वाले तो हम लोगों के लिए ये गाड़ी फरारी है, और जिसके पास ये नहीं है तो मैं भगवान से दुआ करूँगा कि गाइज आप, भगवान आपको सबको वो सब कुछ दे जिसकी आप इच्छा रखते हो। तो चलते हैं गाइज। तो गाइज अभी शाम के बज रहे हैं 6 और वक्त हो गया है चाय के साथ पकौड़े खाने का। बहुत समय बाद गाइज, बहुत ही टाइम बाद मैं चाय के साथ पकौड़े खा रहा हूँ। मम्मी कैसे बने? बहुत ही सुंदर सुंदर नहीं सुंदर नहीं होता, टेस्टी होता है, ठीक है, इसको बता दो कि टेस्टी होता है, सुंदर नहीं होता कोई खाने में, टेस्टी होता है। ये देखो गाइज, और ज्यादा से ज्यादा मैंने मिर्च के बनवाए क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था, तो मैं मिर्च खाऊंगा, हालांकि मैं मिर्च नहीं खाता लेकिन मिर्च खाऊंगा तो शायद मेरे सर दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो ठीक है गाइज,
मैं खाता हूँ चाय पकौड़े, आप भी खाइए अपने घर में चाय और पकौड़े। मिलते हैं शाम को खाने पे। अब तो गया खाना खाने का और मैं खाना खा रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आज क्या बनाया, बहुत डिफरेंट टाइप का, एक बहुत डिफरेंट है गाइस। शायद आप लोग ने देखा हो या नहीं देखा हो, या खाया हो या नहीं खाया हो, मैं दिखाता हूँ आपको। वो थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस, मैं दिखाता हूँ। यहीं पर रखा है खाना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है गाइस आज का खाना, और जो इसके ऊपर सबसे ऊपर जो रोटी रखी है ना गाइस, ये बहुत डिफरेंट है। देखो मैं हटा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो इस रोटी का कलर और इस रोटी का कलर, जो नॉर्मल रोटी होती है बहुत डिफरेंट है। क्योंकि गाइस ये जो रोटी है ये आम की रोटी है, और ये अचार हो गया, ये दाल हो गई, ये रायता, और ये भिंडी की सब्जी। कमेंट करके बताइएगा कि किसी ने आम की रोटी खाई है या नहीं खाई है। ठीक है गाइस, मैं खाता हूँ खाना, आप लोग भी खाना खाइए। तो ठीक है गाइस, रात काफ़ी हो चुकी है और वक्त है आज का व्लॉग एंड करने का। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा गाइस। और मैं बाथरूम में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सब सोए हुए हैं और थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं कोई उठ ना जाए। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, धारे का पानी पी लेना, हनुमान मंदिर के दर्शन कर लेना, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।